An Academy. Let's crack it. Hello everyone, my name is Nikita and welcome to An Academy. UPSC Mains, yani UPSC paper ka dusra padhao. Aur aaj hai UPSC ke dusre padhao ka pehla paper, yani essay ka paper. Aur main hoon UPSC Bhavan. और पूछते हैं बच्चों से कि कैसा रहा उनका इस साल का यानी 2024 का मेंस का एसए का पेपर. बहुत बहुत है तो किसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आए और पिछली बार से कंपेयर. इस बार फिलोसफिकली नहीं था इतना, मतलब अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा है तो इजीली था, डुएबल था. अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने के बाद कोई ज्यादा समस्या नहीं, मेरा 15 मिनट पहले ही हो गया. अच्छा वाओ, तो कितना टाइम आपने दिया आपने क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को स्ट्रक्चर के लिए? 15 से 20 मिनट के आसपास में हो गया था, बाकी 60 मिनट में फिर पेपर लिख दिया, उसके बाद कोई समस्या नहीं. तो किस चीज पे ज्यादा एम्फसाइज था, फिलोसफिकल था, क्या था? नहीं, कंटेंट बेस्ड था इस बार. अगर आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ रखा है तो मेरा टेक्नोलॉजी का एक क्लियर था, एक हेल्थ का क्लियर था, तो मैंने वहीं से दोनों अटेम्प्ट कर दिए. तो खुशी से लग रहा है कि बहुत बढ़िया पेपर हुआ. इट्स ऑल कृष्णास ब्लेसिंग. अरे अच्छा था, पढ़ाई की थी तो किस पे ज्यादा बेस्ड क्वेश्चंस आए और कैसे फिलोसफिकल एसेस थे? फिलोसफिकल ज्यादा थे. पिछले साल से कंपैरेटिवली जो ट्रेंड चला आ रहा है वैसे ही कायम था या फिर चेंज हुआ इस बार? सेक्शन 1 के एसेस थोड़े ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, तो आई थिंक दूसरों का नहीं पता. I spent a more time on the section 1. Okay. तो उस वजह की वजह से section 2 में थोड़ा सा मुझे time का shortage हुआ था. Okay. So कौन से topic आपने choose किए? एक मैंने choose किया कि the cost of doing nothing is less than the cost of doing nothing at all. और दूसरा था the doubter is a true man of science. Okay. So और किस पे ज़्यादा based थे, जैसे women oriented थे, कौन सा topic एक नया इस बार आया है जिस पे? ऐसा कोई एक ये नहीं था, UPSC का हमेशा से ये कि सारे dimensions cover करता. हाँ हाँ. Women based questions थे? इस particularly women पे कोई topic नहीं था, but in every essay you can bring a dimension of women. Okay, okay, okay. तो आप अपने जितने points से आप रख पाए हैं इस paper में क्या कहेंगे? Okay, that's amazing. All the best. Thank you so much. कैसा हुआ paper? इसमें क्या ही है? अरे मतलब you know cup of tea. Cup of tea तो नहीं मानूंगा मैं इसको. तो कैसा था? मतलब ठीक है, इसलिए ऐसे में कुछ बोल नहीं सकते. There is no perfect answer. और बार से कैसे था? और पिछले बार से थोड़े आई गेस टॉपिक्स थोड़े आई गेस मानूंगा कि थोड़े इजी थे. ओके, तो जैसे जो ट्रेंड्स होते हैं उसको फॉलो किया हुआ था या फिर इस बार कुछ चेंज फॉलो किया? कुछ चेंजेस थे ऐसे मेजर? कुछ नहीं, मेजर कुछ चेंज तो लगा नहीं. किस पे ज्यादा फोकस थे क्वेश्चंस? फोकस तो फिलोसॉफिकली थे, मतलब फिलोसॉफिकली थे. यस यस, 8 में से आई गेस 7 टॉपिक्स तो फिलोसॉफिकल थे. आपने कौन से चूज किए? आई चोज दिस फर्स्ट में कौन सा था देखना मुझे. This character and power. Okay. The doubter is a true man of science. Okay. वो ठीक है. जिसमें ज़्यादा explore कर सकते हैं वो देखो. So आपका time पूरा manage हो गया? आपने किस तरीके से अपना time manage किया या short of time था? I think थोड़ा time management में normal से थोड़ा issue आता है क्योंकि the end exam में आप टॉपिक चूज करने में थोड़ा ये चीज आते हैं. लाइक नॉर्मल एग्जाम्स में मॉक्स में अगर हम इतना सोचते नहीं है, बट यहाँ पे यू इन्वेस्ट टाइम, तो नॉर्मली हम 2-3-5 मिनट लेते हैं, यहाँ पे मुझे वो 10 मिनट लगे. अच्छा, तो या सो उसके लिए रखता है थोड़ा सा. तो काम टाइम की वैसे तो कमी नहीं, एट द एंड ऐसे में इतना टाइम का इशू नहीं होता. अच्छा, सो पेपर देख के मजा आया मतलब. तो क्या एडवाइस देंगे आप जो कमिंग जो बच्चे इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए? प्रिपेयर के लिए तो लाइक न्यूज़पेपर रीड करना है. न्ययूज़पेपर से तुम्हारा लैंग्वेज डेवलप होगा एंड ऐसे में वही मैटर करता है आखिर में, बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स विल बी सेम बट हाउ डू यू प्रेजेंट देम दैट मैटर्स. That's amazing. तो मतलब मजा आया पेपर करके. GS1 और GS2 के लिए क्या क्या तैयारी और क्या चलो होपफुली वो भी बहुत बढ़िया होगा. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. कैसा वो एग्जाम कैसा था पिछली बार पिछले PYQ से कंपैरेटिवली? इन्होंने इस बार ऐसे में PYQ रिपीट किया शायद एथिक्स का. अच्छा, सो एक दो टॉपिक वहाँ से थे और 4-5 नए थे और ऐसा एक्सपेक्टेड फिलोसॉफिकली थे. अच्छा, तो कुछ ऐसा कुछ ऐसे नए टॉपिक्स कुछ कवर किए जो कुछ पिछले सालों में कुछ नहीं किए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आया? ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ नहीं होता क्योंकि ऐसे में यू हैव जैसे ट्रेंड से अलग कर दिया. नो, इट्स ऑलरेडी एज पर ट्रेंड, नथिंग न्यू. तो कैसे आपने अपना टाइम यूटिलाइज किया और कितना टाइम दिया आपने? एनाफ आवर फॉर फर्स्ट एंड वन एनाफ फॉर सेकंड बस. अच्छा, तो मतलब टाइम पूरा मैनेज हो गया आपको, शॉर्ट ऑफ टाइम नहीं लगा? 20 पेजेस इन 3 आवर्स इज मैनेजेबल. So, जो आने वाले बच्चे हैं 2024 में उनको क्या आप सजेशन देते हो इस पेपर को देख के? सॉरी, हाँ 25 में, आई एम सॉरी 2025 में, तो आप उनको क्या सजेशन देते हो ये पेपर देख के स्पेशली? प्रैक्टिस इज मस्ट, एटलीस्ट 2-3 पेपर शुड बी सॉल्व बिफोर एग्जाम सो दैट यू विल नॉट फील नर्वस एंड सेव टाइम.
आपको ये पेपर देख के कुछ ऐसा लगा कि आपको शायद ये कर लेना चाहिए था या इस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए था? हाँ, राइटिंग राइटिंग दो तीन ऐसे और अच्छे से कर लेते घर पे और बेटर हो सकता था। तो पॉइंट्स आपने कैसे कॉन्सेप्चुलाइज किए, कैसे जॉट डाउन किए व्हेन जब आप राइटिंग? इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, सो मुझे मालूम था कि एग्जांपल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अच्छा, तो आई ड्वेल मोर अपॉन द फिलोसॉफिकल पार्ट, रीजनिंग, क्वेश्चन आंसर, काउंटर पार्ट। आपने अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज किया यहां पे। गुड गुड, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। आप वहीं से अनअकैडमी से हो ना? यस सर। अच्छा, ये बुलवाना था कैमरे में। कैसा रहा पेपर? पेपर बढ़िया था। पेपर बढ़िया था। तो किस पिछले साल से क्या किस पे ज्यादा फोकस गए क्वेश्चन? वैसे ही ट्रेंड चला आ रहा है। मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, आपका पहला था, तो आपने पीवाई किस तो देखे ही होंगे। यस सर। तो ट्रेंड सेम था? ट्रेंड मैम थोड़ा बहुत मतलब जैसे इजी था, जैसे विपिन रावत सर की जो स्टेटमेंट थी उसके ऊपर एक ऐसे था कि हम लोग फ्यूचर के लिए वो मतलब जो फ्यूचर के जो एम्पायर होंगे वो बेस होंगे अपने क्या कहते हैं माइंड पे बेस होंगे, तो सेम वो वाला था। अच्छा, और करंट से जो भी पढ़ रहा है तो उसको आ ही रहा है। और किसमें ज्यादा फोकस थे? फिलोसफिकल तो थे, और उसके अलावा किसमें ज्यादा फोकस थे? फिलोसफिकल भी थे ऐसे, और अगर आप उसको करंट सिनेरियो से रिलेट करना चाहो वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, और बाकी मेरे मैथ्स ऑप्शनल था। अच्छा, तो इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिला था। तो वैसे आपने ज्यादा फोकस किस पे, किस कैसे क्वेश्चन सिलेक्शन किया आपने? तो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करी थी। अच्छा, और तो जो भी मेरे को ऐसे मिले थे तो मेरे को लगा आता है या नहीं आता तो उसको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट ईयर आप, नेक्स्ट ईयर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सजेशन देंगे आप ये पेपर देख के? मैम ज्यादा दूर भागना नहीं है। अच्छा, जो आपके पास कंटेंट है सर उसको दोबारा पढ़ो बार बार। अच्छा, और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। आधे घंटे पहले पेपर कर दिया। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, ऐसे तो हो जाता है। बाकी तो आपका तो फर्स्ट हाफ और उस टाइम लेते फॉरेस्ट भी दे रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।